أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हजारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखर ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यत सना सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान अहले शौक पंजाब और बिलअमूम बाबा बुल्ले शाह की धरती कसूर से तलक रखने वाले जितने भी शौकीन हजरात हैं दोस्तों शहर कसूर से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों आप मेरे साथ जिस शख्सियत को इस वक्त देख रहे हैं चैम्पियन कसूर उस्ताद मलक शहबाज और इनका तल्लक उस्ताद मिस्त्री सादिक बलोच पार्टी से है। हालिया जेठ 2023 में इन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और कसूर चैम्पियनशिप का एजाज जो है वो अपने नाम किया। मैं सबसे पहले इन भाइयों का इनकी पार्टी का और बिलखसूस आज मैं दो तीन शख्सियात का जिक्र करना चाहूँगा। वकार भाई मेरे साथ मौजूद हैं, रफाकत अली मौजूद हैं, अजीज शान ऑलरेडी मेरा नुमाइंदा है, इन्होंने मेरी रहनुमाई भी की, मुझे अपना टाइम भी दिया, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस मलक साहब का कि इन्होंने, आप देख लें कि मौसम खैर आज तो फिर अल्लाह का करम है कि कोई इतनी गर्मी नहीं और इस मौसम में इन्होंने मुझे खास करके टाइम दिया, मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। तो आइए दोस्तों, गर्मी तो है इसमें कोई शक नहीं है, तो चंद बातें करके इंशाल्लाह उस्ताद मलक शहबाज साहब से उसके बाद हम आपको इनका थोड़ा सा शौक भी दिखाएंगे ताकि मेरा वादा भी आपसे पूरा हो। शहबाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज भाई क्या हाल है आप? ठीक अल्लाह का शुक्र है आपकी, बड़ा अल्लाह का शुक्र। पहले तो थोड़ा सा डिफाइन करें ये मिस्त्री सादिक बलोच, आज मेरी भी रहनुमाई हुई है क्योंकि इससे पहले ये नाम मैंने नहीं सुना था, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि जी साड़ी पार्टी बाबे अली बलोच के नाम तो सी बहुत पुरानी पार्टी। सही। तो मेरे उस्तादा ने जो शो किया मुमल जेठ ने किया तो उन्होंने यह सी कि 40 साल उन्होंने कोई समा मिस नहीं किया, यानी कि उन्होंने कबूतरबाजी की जिन्नी देर उन्होंने सकत रही है तो उन्होंने दुआवां ने सानू तो उन्होंने मद्देनजर रखते हुए अभी शो कर रहे हैं। मतलब उस पार्टी को इसके अलावा भी कोई और छत है उसमें? नहीं इस टाइम फिलहाल यही छत मेरी उड रही है मेरे उस्ताद होर के नाँ तो। अच्छा। हाँ जी, और कोई छत हले तीकर नहीं। क्या यार इतनी अच्छी खूबी थी, और भी बड़े लोग थे जिंदा भी थे अब भी हैं मौजूद भी हैं उनके पास कबूतर भी हैं और भी बड़े बड़े नाम हैं, क्या आपने उनका इंतखाब किया, इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? जी जदों लाला जी मैं कबूतर बाजी शुरू की ना उड़ाने वाली तो उस वक्त मैं इंतखाब किया कि मैं उस पार्टी से जावगा कि जिस पार्टी के ना कोई छत होगी तो उस्ताद भी मेरे अच्छे होव ने जिन्होंने सारा साल शौक सारी जिंदगी शौक किया हो। उस टाइम मैं यही नज़र आई तो जिस टाइम मैं शिगिर्द बैठा सा मेरे उस्ताद की उम्र तकरीबन 80 साल तो उपर सी, यानी कि उन्होंने बड़ा असी औखा कट के लैके आता से जो उस्ताद की शिगिर्द की रस्म की सी। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिस मकसद वास्ते मैं उन्होंने शिगिर्द बैठा सा उस्ताद की दुआ सी तो अज साडा मकसद अल्लाह ने पूरा करता है। साड़ी कोई इन नहीं हैगी, ये अल्लाह के हुक्म नाल ही सारा कुछ होंदा है, असी मेहनत की अल्लाह ताला ने सिलसिला दिता है नाल बेलियां दियां दोस्तां दियां भरावां दियां वालदैन दियां दुआवां ते अज अल्लाह ने सानू इस मुकाम ते खला रहा है। अच्छा यार मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरी रहनुमाई वकार भाई ने भी की, रफाकत ने भी की, मैं अक्सर देख रहा हूँ कि तीन घरानों का जिनसे मेरा तल्लक रहा है ज्यादातर रफाकत लोग हो गए, वकार भाई हो गए, लारा यूसुफ मरहूम थे, आपके घर आके पता चला कि आपका भी बैकग्राउंड जो है वो फन्ने पहलवानी, ये कसूर की मट्टी में कोई खासियत है ये क्या? हाँ जी हाँ जी, मतलब मेरे वालद साहब ते मेरा भाई जड़ा मेरे तो बड़ा है और रुस्तम कसूर है यानी कि पहलवानी माशाल्लाह, ते अल्लाह का शुक्र है यानी कि बाहर दे मुल्क भी जाके मुल्क की नुमाइंदगी करके आया। ते बस वो वालद साहब का शौक सी, अगो दो भाइयों वड्डियां नू शौक सी, हले भी साडा यानी कि अखाड़ा चलता पे देसी कुश्ती का, मेरे वालद साहब के नाँ तो सानू सरकारी जगह यानी कि डोनेट हुई है, रैसलिंग यानी कि बनया क्लब पूरा तो उत्थे हर तरह के मुकाबले होंगे ने, है हूँ भी साडा थोड़े दिन तकर रुस्मे कसूर का मुकाबला यानी कि बाबे बुले शाह के उर्स के उत्ते रख्या गया उन्होंने, तो सारे यानी कि बहुत अच्छा चल रहा काम। वो वालद साहब का शौक सी, साडे खानदान च किसी ने भी नहीं सी शौक, सिर्फ मैनू तो मेरे छोटे भाई नू शौक सी, असी तकरीबन 25 साल हो गए ने,
चलते 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 अज अल्लाह का शुक्र है कि जी च सोची दी सी गल्लां अज अल्लाह ने पूरी करती। पहलवानी से आप फिर कबूतर ये सफर, ये जो सफर है कबूतर पर भी की आवाज आ रही है दोस्तों को, यार कोई दोस्त कमेंट करें, तू उठे शामिल हो जा, कोई दोस्त कमेंट करें कि आवाज ठीक आपको आ रही है। अच्छा शहबाज भाई, चलो हम मैं भी पंजाबी ची गल करा। वैसे मैं इनको स्पीकर हाँ, मेरा टलक है बेटा बाद ना रहे, तो पंजाबी मेरी टूटी भजी होनी है, जरा माफ करना। नहीं ए जरा सफर है क्योंकि बैकग्राउंड पलवानी वाली है, अगू कबूतर का मामला है, ये सफर किस तरह जिंदगी लाला जी गल इस तरह से मेरा वड्डा भाई सी ते उनू शौक पिया कि उनू किसी दोस्त ने दो लक्के कबूतर दिते, तकरीबन ए गल कोई 25-26 साल पुरानी है। गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, पक्की बात है। लाला जी कबूतर बादा नू कादी गर्मी ते गल है कि वो असी ना घर लिया के दो लक्के कबूतर रख लै, वह फिर शौक वादा वादा वह एक असी किसी का फड़ लिया बिच आप ही आकर रल गया, उड़ना शुरू हो गया। करद्या करद्या तुहानू पता है इहो जिहा काम दे विच करो फिर ऊंच नीच तो होंदी रहिंदी ना, कभी दोस्त वाले कभी घर रख लिया करो, वाला साहब रखन नहीं सी देंदे, उन्हां दा शौक सी भलवानी वाले पासे, और यानी फिर इस तरह करद्या करद्या वह अखीर फिर वड्डे उस्तादां जाके बहना शुरू कर दिता, उन्होंने देखद्या देखद्या शौक करद्या करद्या, यानी कि इन्ने अरसे दे विच वेख लो 25-26 साल लंघ गए, तो अज जाके अल्लाह ने एक मुकाम दे दिता है, शुक्र है अल्लाह का। ये बड़ा मैं इलाका आपका देख रहा हूँ, मैं कैमरा मैन, मेरा कैमरा मैन लोगों को दिखाएगा, बड़ा गुंजान आबाद इलाका है यार। लाला जी यह देख लो साड़ी छत नीवी ते नाल छतां उच्चियां ने, असीं हुण छत नवी बना रहे हैं, शुरू की हुई है। ये दोस्तों अगर आप इस छत का मल्ले वकू देखें, इसकी साइडों पे अगर आप देखें तो जिस छत से इन्होंने कबूतर उठाए हैं, इर्द गिर्द जो अगर आप देखें तो इमारतों ने इनकी छत को घेरा हुआ है। अब ये एक ऊपर प्रोग्राम बना रहे हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए, उसकी तामीर के सिलसिले से ऊपर काम भी हो रहा है। तो शहबाज भाई, जिंदगी की जितनी भी कामयाबी, फिर मैं उर्दू बोलने लग पे यार, जिन्या भी कामयाबियां होनी ने जिंदगी दियाँ उन्होंने पिछे कोई ना कोई अवामल कार फरमा होने ने। तुसी एक अच्छे सियासतदान बनते हो, अच्छे बिजनेसमैन बनते हो, अच्छा शौक करते हो कबूत, की राज है इस कामयाबी का, तुसी की समझते हो? देखो लाला जी, कामयाबी होंगी है कि ताड़े कोलो जो छत के उत्ते पूरा पैनल मुकम्मल होना है ना, तो तुहानू कामयाबी मिलनी। पैनल तो की मुराद? यानी कि सब नाल पहले ताड़े को परिंदे अच्छे हो, फिर जेडे भाई सारे रल के मेहनत करते पे ने उन्हों का सलूक इस तरह हो के वड्डा छोटे नूं काम करे तो भज के करे ना नहीं होनी चाहिए, यानी कि जनून नाल। दूसरे नंबर पर बेली दोस्तों दी दुआवां, माँ बाप दीआं दुआवां, यह नहीं ना नाल तो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। सही, क्या पैगाम देना चाहोगे यार एज ए यंगस्टर? मेरा भाई इतनी उम्र तो नहीं है आपकी, आपने लोगों को भी देखा। दूसरा ये है दोस्तों, मैं जिस शहर में खड़ा हूँ, मेरा ख्याल है कि जिस वक्त पाकिस्तान की कबूतर परवरी की तारीख लिखी जाएगी तो मैं इसे कोई किसी कंट्रोवर्सी में यह बात नहीं कर रहा हूँ, आर्ग्यूज ऐसा कोई या ना ही कोई मेरी तनकीद है, मैं समझता हूँ कसूर हो, लाहौर हो, सियालकोट हो, हर जगह की अपनी अहमियत है, मगर कसूर की भी फन कबूतर परवरी के खेल के हवाले से एक बड़ी अच्छी तारीख है। इस शहर ने बड़े बड़े अच्छे लोगों को जन्म दिया, बड़े बड़े अच्छे साथ कराम यहाँ से पैदा किए, और आज उन्हीं के नाम से ये सिलसिला जो है वो आगे जा रहा है। इसके साथ साथ वजह शोहरत दोस्तों, मैं समझता हूँ कसूर की सबसे बड़ी वजह शोहरत बाबा बुल्ले शाह। वो एक लड़की मुझे एक शेर, मैं अक्सर उसको मैं सुनता भी हूँ कि बाबा बुल्ले शाह की काफ़ी है, और इनान उसरत एक लड़की है, वो अक्सर उसको उसने बड़ा अच्छे तरीके से उसको पढ़ा कि चढ़दे सूरज चलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, वाकई। और इसके अलावा कसूर के फन्ने कबूतर परवी के हवाले से अगर आप बात करें तो बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात जिसमें उस्ताद मिस्त्रीदीन मरहूम, उस्ताद करीम बख्श मरहूम, लाला यूसुफ मरहूम, इसी तरह उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम, ये तमाम वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने इस शहर से अपना नाम पैदा किया, और आज उन्हीं के नाम लेवा जिस तरह सादिक बलोच मरहूम की बात हुई कि आज अगर आप देखें वो इस दुनिया में नहीं है, यह है कि उनके एक चाहने वाले ने, उनके एक शागिर्द ने उस पार्टी को एक नई रूह दे दी है। 2023 में उन्होंने चैंपियन कसूर का, कसूर में चैंपियन कोई आसान बात नहीं है। दूसरा मल्ले वकू, मैं भी हैरान हूँ
कि इतनी मेरा मतलब है गुंजान आबादी में कबूतर परवरी करना बड़ी मुश्किल बात है। तो विकी भाई इधर आओ ना, जरा विकी भाई क्या कहना चाहोगे, मलक साहब का शौक आपने कैसा देखा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जिशान भाई के भी टूर्नामेंट्स में भी इनकी पहली पोजीशन है और हमारे तीन रोजा टूर्नामेंट में भी माशाल्लाह इनकी पहली पोजीशन है, तो बेमिसाल कारकर्दगी। और सबसे ज्यादा दांत के मुस्तहिक ये शहबाज भाई इस बात पे हैं कि एक मोहल्ले में इतने गुंजान आबाद इलाके में रह के इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाना और बेमिसाल परफॉर्मेंस। माशाल्लाह तीन परवाजे उड़े और तीन परवाजों में सात कबूतरों के साथ 70 घंटों से प्लस ही होते रहे और ये एक रिकॉर्ड है माशाल्लाह हमारे शहर कसूर का, जो जेठ 2023 में माशाल्लाह जनाब उस्ताद मलिक शहबाज साहब ने अपने नाम किया, तो बेमिसाल परफॉर्मेंस माशाल्लाह। थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी वकार, मैं आपका अनेयर में आपका ग्रेट थैंक टू यू कि आपने मेरी रहनुमाई भी की और मेरे साथ हैं आप। जी जी इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ हैं, आपको खुश है और हम आपको तहे दिल से शहर कसूर में वेलकम करते हैं और आपके बहुत ज्यादा मशहूर हैं कि आप शहर कसूर में तशरीफ लाए और आपकी आमद हमारे लिए बाइस फख्र है। अल्लाह आपको खुश रखे। तो शहबाज भाई और भी कुछ दोस्तों का तारफ आप करवा रहे थे तो मैं चाहूंगा कि गर्मी नहीं वहाँ लेके दोस्त ने जी जिन्हां नाल साडा शौक चलता है लाला इस्लाम साहब, ये आपके मेरा मतलब सरबराह भी है और साथ मेरे जो खड़े हैं इसने बड़ा जियाले भाई कैसा देख रहे हैं आप इस शौक को 2023 वाले शौक को? शुक्र है लाला जी, हम तो बस ये चाहते हैं कि कबूतर उड़े हम देखें और हमें मजा आए, बस ये चाहते हैं, बस हमारा शौक है जुनून है वो ही पूरा हो जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं नमाज पढ़ के, अल्लाह पाक इसको आबाद रखे बस। तो दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि मौसम खैर, अल्लाह खैर करे, मैं ठंडे इलाके का रहने वाला हूँ, गर्मी में मजा आता है और शौकीन हजरात जो हैं आप यकीन करें, वो मुझे शेख हसनैन साहब की एक बात याद आ गई कि वो कहने लगे कि दुनिया की हसीन तरीन औरत एक तरफ अगर वो खड़ी हो और वो नाच कर रही हो डांस कर रही हो तो एक तरफ कबूतर परवर का कबूतर जो है वो लैंडिंग पोजिशन पे हो तो मेरा ख्याल में उसकी निगाह उधर नहीं होगी, वो अपने कबूतर को देखेगा, ये इतना जुनून और इश्क है। तो शहबाज भाई क्या पैगाम देना चाहोगे एज ए यंगेस्टर, आपको गोल्डन वर्ड्स जो है ना वो आप पिजन स्पोर्ट्स में कबूतरबाजी दे विच एक ही चीज देखी है, मेहनत मेहनत जिन्हें करनी है उन्हें सिला मिलना है, उस्तादां दी इज्जत करो। देखो लाला जी किसी भी मैदान च तुसी कामयाब होना है ना, जिन्नी देर तुहाडे पिछे उस्ताद हाथ नहीं ना होना तुसी कामयाब नहीं होना। जो मैदान लगते ने कबूतर उड़ते ने फिर उत्थे जिन्नी देर उस्तादा दे हाथ नहीं ना पिछे होंगे फिर उत्थे बंदे नूं उस्तादा की कमी महसूस होंगी है, तो जेडे उस्तादा दे फर्मा बरदार होंगे ने उन्होंने अल्लाह फिर मुकाम दे दिंदा है, जेडे नहीं करते वह अज तिकर भी लभदे फिरदे ने साडे च गलती की। गलती है ये उस्तादा की इज्जत करो, किसी नूं बुरा ना कहो, खास करके देखो लाला जी एक बंदा शौक करता पाया 20 साल तो कबूतर उड़ा पाया वो जिदा पाया कि गेम दे विच देखो लाला जी दो गल्लां ने जित ते हार, इस अलावा कोई गल तो नहीं हैगी, जिन्हें जितना उन्हें हरना भी है, जिन्हें हरना उन्हें जितना भी है, किसी नूं तनकीद ना करो। जिहड़ा देखो बंदा शौक करता पाया ना वह पूरे 2 महीने छत ते बह के इन्ना खर्चा करके शौक करता है, वह हार भी जाए उन्हें दा दो कि यार दोबारा ट्राई करे, उनकी दिल आजारी ना करो कि वह शौक तो घट आउट हो जाए, उन्होंने भी दाद पूरी दियो कि यार कोई गल नहीं मेहनत कर अगले साल फिर सही। देखो ना सानू अज अल्लाह ने चैंपियनशिप दी है, लाला जी इंज तो नहीं आ गई, यानी कि असी मेहनत की है लगे रह यानी कि असी अपनी मेहनत नहीं कटाई, जो सा मेहनत पूरी हो गई अल्लाह तला ने सू मुकाम देता, जो असं पिछे रह जाने उदो साडे च कमियां सी अज अल्लाह ने पूरी करती हैं, असी फिर भी होर भी मेहनत करा इंशाला आते साल में फिर अच्छा शौक वहावे इंशाला, तो इंशाला लाला जी शौक अल्लाह तला तुम तंदुरुस्ती देवे जिंदगी देवे इंशाला, नैक्सट टाइम भी तू अल्लाह के हुक्म के मेहनत करा इस तो अच्छी कारकरदगी दिखावे इंशाला। आपकी अल्लाह पाक आपकी इन आरज़ुओं को अल्लाह पाक पूरा करें। साडा भाई है सुल्तान, क्या साडे टीम का शुक्र है, ठीक है दुआओं में आप भी इनके साथ होते हैं। हां जी
तकरीबन हो गए चार पाँच। तो दोस्तों अक्सर ना मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ वकार भाई, गुमनाम सफाई के हवाले से ना, बिहाइंड द स्क्रीन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका शौक कबूतरों को देखना, संभालना, उनकी धूप छांव खुराक का ख्याल रखना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कंपोनेंट वो होता है। जैसे दो अल्फाज, एक किंग होता है और एक किंग मेकर होता है। बिल्कुल, ये किंग मेकर है। बेशक बेशक, आपको मुबारक हो यार, आपने बड़ी मेहनत की माशाल्लाह, आइंदा भी आपकी इंशाल्लाह कोशिश है। तो दोस्तों बातें तो खैर बहुत सारी हैं, मैं ताई मशकूर हूँ मलक बरादरान का, इनके दोस्तों का, और बिल्कुल बिलखसूस उस्ताद सादक बलोच, मिस्त्री सादक बलोच मरहूम पार्टी का। अल्लाह करे इस पार्टी को तकवीत मिले, कोर पार्टी सामने आए, शौक अच्छा हो। तो दोस्तों जाते जाते अपने दोनों भाइयों की माहियत में मैं सिर्फ दो चार बातें आपसे करना चाहता हूँ। दोस्तों ज़िंदगी का ये सफ़र बड़ा प्रोलॉन्ग सफ़र है, बड़ा लंबा सफ़र है, और अक्सर मैंने इकट्ठों में जब मुझे मौका मिला है माइक पे तो मैंने ये मिसाल ज़रूर दी है कि आपका सफ़र का साथी, ज़िंदगी का साथी, आपका हमसाया अगर इनमें अमांगी ना हो, इनमें रवाबत ना हो, मिलनसारी वाले जज्बात ना हो, ना सफ़र अच्छा गुजरता है, ना आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है, ना आप मोहल्ले में सही रह सकते हैं। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये दस्त बदस्ता गुजारिश है, इस शौक को वो मिलनसारी वाले जज्बे के तहत लेके आगे बढ़े। हम लाहौर से बातें सुनते रहे हैं कि लोग जो हैं वो पुराने जो लोग थे एक दूसरे के गम दुख दर्द उसमें शरीक होते थे। तो इंशाल्लाह दोस्तों आज शाम को एक प्रोग्राम भी है, एक टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया अजीशान और इसके दोस्तों ने, आज उसका इकट्ठ भी है, उसकी तकरीब तकसीम इनामात भी है, इंशाल्लाह उसका हवाल भी हम आपको देंगे। तो मैं अजीशान से, कोई गर्मी तो है अजीशान है ना, पसीना निकल रहा है। तो दोस्तों अक्सर होता ये है कि शौक के दिनों में आप यकीन करें, आप यकीन करें कि इन लोगों को शौक कबूतर उड़ रहे हो ना, तो मलक शहबाज को धूप क्या, ये दो सूरज भी इस तरह के निकले हुए हैं उसको असर नहीं करेंगी। जिस वक्त सीजन ऑफ होता है तो फिर वाकई जरा तलखी होती है। तो हम लोगों का तो काम ही है, मैं तो अक्सर इन लोगों को कहता हूँ आप शौक के दिनों में गर्मी लेते हैं, हम जो है जिस वक्त आपका शौक खत्म हो जाता है फिर हम गर्मी लेते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं एक दफा फिर इन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए तो मैं गुजारिश करूंगा मलक शहबाज भाई से कि आपको अपने कुछ चंद परिंदों का, जो इनके उड़े हुए जो कबूतर हैं, वो थोड़ा सा आपको शौक करवा दें। चलिए वकार दिखाएगा ना कबूतर, मैं कवरेज करांगा। जी वकार भाई माशाल्लाह जी क्या बात है। यही पहले दोस्तों माशाल्लाह जनाब उस्ताद मलिक शहबाज साहब के मेन ब्रीडर कबूतरों का शौक आपको स्टार्ट करवाया। ये सबसे पहले मेन ब्रीडर लाल तूफान कबूतर है माशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ आपको ये परिंदा बड़ा पसंद आया होगा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट परिंदे की तरफ, फीमेल लगती है शहबाज भाई, ये भी लाल तूफान ही ओरिजिनल लाल तूफान जोड़ा लगा ले जी। पर है दोस्तों शौक करें इस फीमेल का माशाल्लाह जी।
ये पहले दोस्तों बेमिसाल और खूबसूरत तरीन माशाल्लाह आइस ग्लोव आप सब तो, और जितना खूबसूरत इनकी उम्र ना जी जी पर 1.5 साल हो गई देख लो एक रहंदी हल्ले के करंदी हां जी वाह जी वाह ब्रीड च पे गई ना सर क्रीज दे ने रोगी कोई मसला नहीं किलो किलो माशाल्लाह जी तशान भाई कबूतर है बॉडी स्ट्रक्चर हर चीज वो मेहनत की ना उते शबाज भाई ये भी पट्टी कर दी अपनी हाँ जी माशाल्लाह और ये जी पहले दोस्तों एक और लाल तूफान परिंदा आया और उम्मीद करता हूँ कि ये परिंदा आप तमाम दोस्तों को भी बड़ा पसंद आएगा। पहले दोस्तों आपको अपडेट करता चलो इस वक्त मौजूद है जनाब उस्ताद मलिक मोहम्मद शहबाज साहब की छत पर और पाकिस्तान पिजन स्पोर्ट मैगजीन के प्लेटफॉर्म से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में लाइव हाजिर है और आपको जनाब उस्ताद मलिक मोहम्मद शहबाज साहब के मेन ब्रीडर लाल तूफान कबूतरों को शो करवा रहे हैं। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्तों को ये परिंदे बहुत पसंद आ रहे होंगे। कमेंट्स करके अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मैं निशान भाई कबूतर पैंदा लागे बगार भाई जिस्म देखें बहुत अच्छे जिस्म है माशाल्लाह जी बहुत प्यारे जिस्म ये देखें और जिस्म जिस्म क्या कलर पर डाला है माशाल्लाह अच्छे कबूतर ने ए खुद उड़े आया कबूतर निशान पहले दोस्तों आपसे सुभाष भाई से इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों के जो कुछ इंफॉर्मेशन जरूर लेंगे हम। शहबाज भाई साथ साथ शौक चलता रहेगा और साथ साथ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दोस्तों को। आपकी जो अपनी सिलेक्शन में जो परिंदा आप किस लेवल पे परिंदा जो ब्रीडिंग में डालते हैं यानी कि आप मेरे कहने का मतलब कोई निशानी इस तरह जो आपको खुद बड़ी पसंद है परिंदा चाहे टैडी हो लाल तूफान हो गोल्डन हो कोई भी हो। दरअसल ना देखो एक कबूतर आया जी जी के जेड़ा भी कबूतर आपकी नस्ल च पूरा ना उन्होंने फजीक एक जैसी हो यानी कि तुसी कबूतर बदन देख रहे जो तुसी मेरे 100 कबूतर देखोगे ना तुहानू ए बदन ए ही मिलेगा ए ही नजर आएगा ठीक ता कि मैनू इन्हां दा टेस्ट मैं इन्हां नू उड़ा के देखिया इन्हां दे मैं एक वक्त गुजारिया इन्हां दे जी जी यानी कि तुसी ब्रीडिंग सब तो ज्यादा प्रेफर करदे बदन नू जिस्म नू ते मलाइमी मलाइमी बिल्कुल कबूतर दी मलाइमीयत नहीं होनी चाहिए घट अई हथों कबूतर ताडा तिलके तिलके बिल्कुल सही ते इंशाल्लाह ताला रिजल्ट ताडे सामने हम किन्ने सालां दा उड़ाना पिया कबूतर जी जी बिल्कुल ते मैं कदी चलाए नहीं सी इंशाल्लाह ए क्रीज लगे ने कबूतर ते हुण मेरा देन सी तुहानू इंशाल्लाह बुलावांगा सूज फिर एक तादाद च कबूतर वहावांगे दोस्तां नू जी जी इंशाल्लाह हुण मैं मेरी कोशिश है कि आपां तमाम ब्रीडर जो 2-2, 3-3 जो दिखा दीए बस इंशाल्लाह हुण हमी होर हुण कोई स्कूल वाले देखो जी माशाल्लाह बैक जो परी की दुम की स्पोर्ट है कहां सिर्फ ये 1.5 उंगली तक है ए ले साल दी नहीं हैगियां पठियां बिल्कुल यंग पटियां जो ब्रीडिंग में लगाई हैं बिल्कुल हले साफ ही हैं माशाल्लाह जी बहुत आला जी। और जिसामत पहले दोस्तों ये देखें ये नोट करें सब दोस्त जितने भी परिंदे इस वक्त आए हैं मेरे पास मैंने ये चीज नोट की है 4 उंगलियां हड्डी है हड्डी और जोड़ के दरमियान सिर्फ 1 उंगली का फर्क है सिर्फ 1 उंगली का और पहले जो पेड़ मैंने देखा दोस्तों उसमें 1 उंगली का भी फर्क नहीं आ रहा माशाल्लाह ये बड़ी पॉइंट की बात है। जी जी हाँ ये जी माशाल्लाह क्या बात है देखिए इसके जो नाक की शेप है पहले दोस्तों वो आप नोट करनी है पलक के ऊपर जो आपको दंदे नजर जिस तरह गरारी के होते हैं ये नोट करें क्या बात है जी माशाल्लाह माशाल्लाह फिर दोस्तों पंजों का कलर और बैग परी की दुम की स्पोर्ट जो है तकरीबन सब परिंदों में सेम यही है माशाल्लाह और ना ही कोई काले पंजे हैं ना ही कोई ज्यादा खुश्क हैं बिल्कुल नॉर्मल और ओरिजिनल हाल में परिंदे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी। शुभाज भाई पंजे अक्सर लोग आते जामनू ना चाहिए जामनू ना चाहिए उनकी क्या वजह है क्या खासियत होती है आपके जो नॉलेज के मुताबिक निशान भाई पंजे बरीक ते खुले होने चाहिए ने बस कलर मैटर नहीं करता ऐ मेरा बड़ा ही प्यारा लग माशाल्लाह जी वाकई प्यारा लग होना चाहिए शहबाज भाई अच्छा है तो माशाल्लाह उन्हें क्या कुछ चीज आई है तो शहबाज भाई अभी फर्क है या उम्र का हो गया
सफेदी रात आए ने दरअसल ना जो आप कबूतर मेकिंग करने मादियां दी चेंजिंग करने फिर उत्थे फर्क आ जांदा ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਸੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਡਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਾਸ ਬਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਆਪੇ ਲੱਗਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਜੀ ਦੇਖ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸਕੁੰਦਾ ਸਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸੇ ਖੋਲਾ ਔਰ ਦਸਵਾਂ ਪਰ ਦੇਖੇ ਕਹਾਂ ਹੈ ਨੌਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸਨੇ ਗਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਸਵਾਂ ਪਰ ਦੇਖੇ ਕੈਸੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਪਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਰਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ਬਾਸ ਬਈ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਮਾਦੀ ਲਗਾਈ ਵੱਡੀ ਲਾਲ ਤੂਫਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਕੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੇਨ ਬਰੀਡਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਲਾਲ ਤੂਫਾਨ ਬਰੀਡ ਮੇਂ ਸੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਂ ਨਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਫੀਮੇਲ ਉਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਵੀ ਹਮਨੇ ਬਰੀਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ तो फीमेल जो है वो 100% होनी चाहिए फीमेल में थोड़ी बहुत भी कुताही नहीं होनी चाहिए जब आप ब्रीड के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं देखिए कैसे शानदार पर हैं जी क्या बात है माशाल्लाह अल्लाह पाक नजर बसे महफूज रखे बहुत ही आला फीमेल ये डबल गड़ी रही समझ लो कि मेन कबूतरी है माशाल्लाह और वाकई मेन होने का हक अदा करेगी उसके बाद छोड़ दे इसको फीमेल अंडो पे पाकिस्तान पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के प्लेटफॉर्म से आप तमाम तर दोस्तों को आज शौक करवा रहे हैं हम जनाब उस्ताद मलिक मुहम्मद शहबाज साहब के मेन ब्रीडर लाल तूफान कबूतरों का उम्मीद करता हूं कि आप तमाम तर दोस्तों को आज की हमारा ये शौक क्या बात है ना बीमार हो गया सी ते बस अल्लाह ने इन्हें दोबारा जिंदगी दी थी जी जी और तुम्हें एक दिन क्या ना मेरे कबूतर कैंकर हो गया हाँ जी ऐस नो यार अच्छा हूं वेट फटदा पिया सस्ता पर भी ना कुछ डिस्टर्ब हो जाने कमजोरी की वजह तो बाद भी मजा हूं भी मेन बहुत आ रहा कमाल हो गई माशाल्लाह दोस्तों क्या बात है जी बहुत अच्छा कुंदा लगा है किन्ने देखे हैं कमाल कुंदा है माशाल्लाह सुभाष भाई ऐसा से भी गहरी लगी हां जी सुभाष भाई क्या बात है यकीन एले पट्टी माशाल्लाह मैं कहना दरअसल बड़ी कबूतरी जान भाई भी आज गल ही दस दी है जी जी ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੰਗ ਪੱਠੀਆਂ ਲਾਓ ਯੰਗ ਪੱਠੀਆਂ ਲਾਓ ਠੀਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਵਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਸ਼ਬਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਾ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਯੰਗ ਪੱਠੀ ਯੰਗ ਪੱਠਾ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਓਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਡੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਐਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਾਈਬਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਐਂਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣੇ ਪਤਾ ਚਾਲ ਮਾਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੈਸਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇ
कुंदा जोर से खोलना पड़ रहा है इस परिंदे का। निशान भाई देख लो अंदर भी पर उठी तीन तीन थले गायब ना थले गायब ना लेवल भी अंजी पर आ क्या बात बनावट भी अंजी है। देखो दम माशाल्लाह बंद टेल देखो ना प्यारे दोस्तों भाई जनाब उस्ताद मलिक नवाज साहब बता रहे हैं कि इसका बेटा चैंपियन हुआ है साहिवाल में। तो देखिये इसमें कंप्लीट हर चीज कंप्लीट है तो परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है। जो परिंदे कंप्लीट होंगे वो परफॉर्मेंस जरूर देंगे। निशान भाई जिस दिन पक्की फड़काल दे 5 तारीख नु बदल पिया सी ना हां जी उस दिन 21 कबूतर उन्होंने उत्ते सी साहिवाल दे विच साहिवाल सही सही ते बदल च सारे चले गया सी इंदा पुत्र अगले दिन शाम 6 बजे आया सी। क्या बात उस तों बाद पूरियां बाजियां विच उन्हें परफॉर्म कीती है। लो निशान भाई ये भी माती वेख लेना तुहानू मजा आ जाए करीब बहुत अच्छी कबूतरी देख के पता लग गया जिसम हाथ से आई तो माशाल्लाह उन्होंने कहा मैं कोई चीज हाँ। देखने वाले मेरे तमाम तो दोस्त इस चीज को फील तो नहीं कर सकते लेकिन अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि जिस लेवल पे इसकी नोक आंख है उसी लेवल पे इस परिंदे का इस फीमेल का जो है जिसम होगा बेमिसाल जिसम के मालिक कबूतर हैं जी शहबाज भाई के। क्या बात है और हर परिंदा का देखें पर ये चीज लाजमी नोट करें सब दोस्त हर परिंदे के तीन पर एक दूसरे के नीचे इस तरह छुपे हुए कि जिस तरह कबूतर को बांधा हुआ है इसके पर बाहर के जिस तरह बांधे हुए और मेल है चाहे फीमेल है परिंदा का जो पर है वो जोर से खोलना पड़ रहा है। माशाल्लाह जी लाल तूफान थोड़ा टेस्ट चेंज करिए जी बिल्कुल बिल्कुल यंग पट्टी जी गरम हो गया लेकिन ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। लाला ये आज नहीं गरम होता इंशाल्लाह सब कमेंट करके जरूर दसोगे शौक दा मजा आ रहा है कि नहीं। नहीं माशाल्लाह पढ़ाई जी भी फर्स्ट आंदा है पढ़ना जरूरी है। हां जी नहीं यार छत आप करने लगे ऊंची ते नाले करनी तेरा खुली सही ते वो जादू लाने पे था जेड़े पहले रखे थी ना। हां जी कंप्लीट कमाल बहुत अच्छा थोड़ा ना बैठा ना पट्टी 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 है यार हो डबल डबल कमाल हो गया। नहीं नहीं लाला जी नहीं, 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 लाला जी तुसी हुण ओनू नहीं पसीना आ रहा ओनू मजा आ रहा। हां जी ए अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान हो गई मुकम्मल। ले जी पहले दोस्तों पाकिस्तान पिजन स्पोर्ट मैगजीन के प्लेटफॉर्म से
आप तमाम दोस्तों की खिदमत में आज हम आपके लिए शौक लेकर आए जनाब उस्ताद मलिक मोहम्मद शहबाज साहब के मेन ब्रीडर। इससे पहले आपको लाल दफांग का शौक करवाया, अब ये हीनो ब्लड का आपको शौक करवा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को ये शौक और हमारी ये काविश पसंद आ रही होगी। तो अपनी कमेंट्स करके आप तमाम दोस्तों ने अपनी राय से हमें जरूर आगाह करना है। ये देखिए जी माशाल्लाह, पर दोस्तों लाल तूफान थे, उनका परों का लेवल भी यही था और ये हीनो ब्लड में से आ गए। कुंदा वही है, जिस्म वही है, क्या बात है माशाल्लाह जी। हाँ जी जी। तो दोस्तों ये मैं वकार अहमद का इंतहाई मशहूर हूँ कि अभी तो अल्लाह पाक ने कुछ थोड़ा सा करम भी किया, साया है कि वो इंतहाई गर्मी में भी वो मेरी मामनत भी कर रहा है और साथ साथ आपको शौक भी करवा रहे हैं। और मुझे बड़ी कवी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज शहर कसूर से आप दोस्तों को अच्छा शौक देखने को मिला होगा। रख दे जिथे रखनी। सुभाष भाई हीनो फीमेल आई माशाल्लाह जी, क्या बात है। शबाज भाई हीनो में तकरीबन तीन कलर आए हैं। हाँ जी। तो ये एक ही पैर के तीन कलर निकलते हैं अलग अलग वजह? नहीं जेडी तुसी एक कबूतरी विच दिखाई ना, सब तो पहले सबस देखी सी, सबस तीन कबूतर आए ने चीन ने, चौथा है, चौथा। हाँ जी। वो जेडी पहले तुसी पट्टी दिखाई ना जी जी, वो अपने लाल तूफाना जो है, वो लाल तूफाना सबस निकली जी जी जी। सही सही। बाकी शबाज भाई हीनो जड़े ने वो इस तरह सफेद कंधे फुला वाले बिल्कुल ठीक, कई ज्यादा सफेद ने बेचे को इंज ही निकलदे है, वो सलाले टाइप सी, दो दो मदियां पठियां इन्होंने हो जाना काला। ठीक है ठीक, बिल्कुल ठीक है, यंग ने हले अपना असल कलर बना लेना। हां जी। ब्लड लाइन इतनी बड़ी खूबसूरती है, लाए हुन खूबसूरती थानू दिखाना इंशाल्लाह। लो सर, लो जी विक्की भाई स्कूल वाली कबूतरी। बिस्मिल्लाह जी। एक मिनट ले जी। पर दोस्तों आपको अब शौक स्टार्ट होने वाला है स्कूल वाले परिंदों का, देखें जरा शौक करे तमाम दोस्त। जी स्कूल की वजह इस तरह के जनाब हमारे बड़े सीनियर शहरी लाहौर के उस्ताद हैं, उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब, उन्होंने इन परिंदों का नाम स्कूल वाले रखा हुआ है। बेसिक ये कबूतर उस्ताद मीर नजीर साहब वाले हैं, बस पहचान के लिए उन्होंने नाम स्कूल वाले रखा हुआ है। कबूतर मलिक बाबर साहब लाए, मलिक बाबर लाए मियां रूफ साहब, मियां अब्दुल रऊफ साहब को। तो दोस्तों ये बात शख्सियात जो है अपने जाने के बाद अपने याद कर रहे हैं, कबूतरों की वजह से उनकी यादें ताजा हो रही है। ये कबूतर मैंने बजाते खुद, मुझे याद है कि जिस वक्त मैं आपके शोभा में आया था तो साद मियां नजीर मरहूम के घर में इन कबूतरों का शौक भी किया था, और आज बड़े अरसे बाद ये बिल्कुल वही स्टफ है सारी, ये सारी जी माशाल्लाह। माशाल्लाह मजा आ गया फीमेल देख के, क्या बात है जी। ਤੁਸੀਂ ਪੱਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਪੱਠੀ ਲੱਗਣ ਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੱਠੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਪੱਠੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਇਨਾ ਉੱਡੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਜਾ ਥੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰਾ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 45 46 ਚ ਬੰਦਾ 5-6 ਵਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਸ ਪਿਓਰ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਪਿਓਰ ਹੀ ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਰਾਣਾ ਦਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਦੇ ਸਲਤਾਨ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾ ਮੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ।
ये जी पहले दोस्तों माशाल्लाह जनाब उस्ताद मलिक मोहम्मद शहबाज साहब के स्कूल वाले परिंदे हैं, क्या बात है। देखिए ब्लैक नूर नोट करें और एंड पे हेल्थ रिंग के बाद हेल्थ रिंग से पहले जो रिंग आ रहा है बहुत ही आला माशाल्लाह जी। देखिए भाई लोगों को बड़े अच्छे कबूतर रहे हैं, आपका शौक चलाया ना। जी जी नवाज भाई इन्हें अच्छे होंगे जिंदे को होंगे। आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आंख देख के कमाल हो गई है माशाल्लाह जी। ब्लड लाइन क्या हिनो लाल तूफान माशाल्लाह जी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਐਸ ਜੁੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੁੜੀ ਲਗਾਈ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਜੀ। स्कूल वाले माशाल्लाह जी क्या बात। लाला जी दिल नहीं रखना ये चीज अच्छी लगे तो दसना मजमून है मेरा वकार नु भी पता है। ये जी माशाल्लाह जनाब उस्ताद मलिक मोहम्मद शहबाज साहब के ये परिंदे हैं और बेसिक ब्लड लाइन ये जनाब उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाले ब्लड में से ये एक फीमेल है। देखिए आंख का साइज नोट करें, ब्लैक नूर के साथ एक शानदार जो रिंग है वो नोट करें और पलक देखे ऐसी बारीक और तर पलक है, खुश्क पलक के मालिक परिंदे नहीं है ये और नोज की शेप बहुत आला माशाल्लाह। ये देख रहे हैं दोस्तों इस फीमेल का भी कुंदा उसी तरह ही है माशाल्लाह। तीन पर बाहर है, तीन पर बाहर के बिल्कुल अंदर की तरफ एक दूसरे के नीचे छुपे हुए हैं। ये खोलने से देखें बहुत आला बैलेंस ही दोनों का। माशाल्लाह यार देखिए मेरे दोस्तों इसकी आंख में एक अलग ही चमक है माशाल्लाह। और माशाल्लाह इसका बेटा इस बार स्टैम्पो में तो नहीं आया, सिर्फ मौसम की वजह से उसको स्टैम्पो में नहीं डाला उस्ताद मलिक शहबाज साहब ने। वो आगे में बता रहे थे माशाल्लाह कि ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਜੋਂਸਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇਡ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜੋਂਸਰ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਲੋਕੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਣੇ ਬਠਿਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। देखें दोस्तों इसके पंजे जरूर नोट करें तमाम तर दोस्त भाई, कैसी लंबी उंगलियां और खुले पंजे माशाल्लाह। एंड दे हवांगे यार, पहले हवा इधर जड़े गए एंड दे हवा देंगे। मोबाइल चल रहा है कबूतर दे नहीं पकड़े वकार भाई। हां जी भमे आपा जितनी देर मौसम देख लो हुन अपना तुसी शाम हो जाएगी बड़ो।
ਕਬੂਤਰ ਟੈਡੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾ ਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਕੀ ਬਾਈ 2019 ਚ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਉੱਡਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦੀਆਂ ਚ ਜੀ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰੀ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਾ 19 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੋ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ 2 ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਵਾਲ ਬਈ ਮਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਸਮ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਲਾਲ ਖਾਣੇ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਐਸੇ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਐਸੇ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਜੀ ਜੀ ਦੋ ਪੇਟੀਆਂ ਜੁੜੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲਤਾ ਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਬਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਲਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਰ ਟੈਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਬੜੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਵਹਾ ਲਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਲੰਬੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਪੰਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਨਲੀ ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਟੈਡੀ ਦਿਖਾ ਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਬੰਦੇ ਇਹ ਟੈਡੀ ਦਿਖਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਲਿਆ उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये काविश हमारी ये मेहनत आपकी पसंद आ रही होगी। अगर मेरे दोस्तों आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो आप तमाम तरह दोस्तों ने कमेंट करके अपनी राय से लाजमी आगाह करना और वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि बेहतरीन शौक और ये हमारी काविश ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुँच सके। ये जी सलारे डैडी आ गए ਬਹਾਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਫੌਜ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਲਾਲਪਰੀ ਲਾਈ ਲਾਲਪਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਇਆ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਮਕ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਕ੍ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਪਸ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਪਰਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦ ਬਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੱਖਣ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀ
आप मक्खन वाला कबूतर देखे फिर आपको मक्खन दिखाते हैं। ਸੋਦੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਡਬਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਤੂਫਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਡਬਲ ਹੈ, ਡਬਲ ਹੈ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਵਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਲੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਡਬਲ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਪਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਰ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਨਾ ਜੋ 21 ਲੰਬਾ ਡਬਲ ਵਾਲਾ ਦਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੋ ਤੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੱਖਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਮਲਕ ਸ਼ਹਾਬਾਦ ਕੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੈ, उनका ये पसंदीदा कबूतर, ये मक्खन वाला जो कबूतर है वो आपको दिखाया गया है। सुभाष भैया कड़ी फीमेल पठी कड़ी हीनो ब्लडर है लाला देख गया नहीं उधर दा है उधर दा है इधर दे माशाल्लाह जी की नंबर बड़ा कबूतर ना लंडा या सामना बहुत अच्छी पट्टी पट्टी देखी है, उसका बाप देखें। माशाल्लाह वाकई बाप है, जब वो भी सेज में जाएगी इंशाल्लाह इसी तरह वो पट्टी है ले जाएंगे बिल्कुल। जी जी वो ना थोड़ी जी रुकमी भली ध्यान दे, जरा नोट करो मतलब सब तो पहले अगो ए भी मैं कती रखी है हड्डियां ही ने बस यकीन कर लो निशान पे हड्डी के देखिए के नहीं हां हो रहे अच्छा हो रहे हड्डियां है जी ले लो। माशाल्लाह अच्छा है बिल्कुल छोटा लो जी है दिशान भाई ऐ कबूतर ना समझ लो कहता जेड़ा छाड़ दिता है ना। जी जी वो साढ़े को अज तक आया नहीं है। अच्छा माशाल्लाह जी ए भी लाल दुमान कबूतर शबाज भाई। दोस्तों परफॉर्मेंस में जनाब उस्ताद मलिक शहबाज साहब ने बताई है और जिसमें जो अच्छे पॉइंट्स है वो आप तमाम दोस्तों ने खुद नोट करने हैं, दिखाना हमारा काम है नोट करना आपका काम है। देखें माशाल्लाह जी खुले पंजे माशाल्लाह बहुत आला जी। लो फाकी जी यार गांव से नहीं रह गया था बोला लाल दुहान पठा मेरा बड़ा फेवरेट है तेंदे साडे के बच्चे भी मोन खा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है लाला जी लाला दिखाओ भाई सुभाष भाई आ जाओ। हाँ जी तो दोस्तों अब आपने शौक किया वकार भाई का मैं फिर दोबारा मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा आपको खुशी तौर पे निशान और निशान को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये दोनों भाई जो हैं गीले हो गए हैं पसीने से और मुझे बड़ी कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज आप दोस्तों को शौक जो है वो आपको अच्छा देखने को भी मिला, लोग भी अच्छे देखने को मिले, कबूतर भी आप मेरे ख्याल में
कसूर की जो स्टफ है वो आज आपने बखूबी देखी और वकार भाई ने आपको बड़े अच्छे तरीके से शो करवाया। तो मैं तमाम दोस्तों का, वकार भाई का, आजिशान का, रफाकत का, ये मेरे साथ हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए, इधर आओ मक्खन भाई, ये छोटा साहबजादा है जी अपना मलिक शहबाज साहब का, और इसे भी वो कह रहे हैं कि इसे कुछ थोड़ा बहुत जो है ना इसमें वो जर्म्स हैं कि आगे जाके ये इस अपने इस फन को आगे लेके जाएगा। तो मेरी ये गुजारिश होगी शहबाज भाई से कि पहले इसे पढ़ाएं भी, ये पढ़े लिखे और फिर अपने शौक को आगे जारी और सारी रखे। तो दोस्तों आइए, मैं अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ इन दोस्तों की मैयत में आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि दोस्तों जिंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों जिंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं जिंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ उस्ताद मलिक शहबाज ऑफ कसूर, उनकी छत से वकार भाई, रफाकत, निशान और मलिक बरादरान के साथ मैं आप दोस्तों की दुआओं से आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा और शाम इंशाल्लाह 6 बजे के बाद अब आप दोस्तों से जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है तकरीब तकसीम इनामात का सिलसिला, वहाँ से हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।